अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनिमल कॉर्डेट्स, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबियन। ऑप्शन ए सलमेंडर, ऑप्शन बी इक्थियोफिस, ऑप्शन सी ब्लेनोग्लोसस, ऑप्शन डी एम्फियाक्सस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्थियोफिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन एंड इट आल्सो हैव नो टंग। क्वेश्चन नंबर टू, सलमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास ऑप्शन ए रिप्टाइलिया, एम्फीबिया, एवीज, मैमलिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सलमेंडर बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया एंड ऑर्डर यूरोडेला। क्वेश्चन थ्री, एम्फीबियन ब्रीड्स इन ऑप्शन ए क्रीवाइसिस, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑन द ट्रीज, इन द सॉइल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्फीबियन नीड्स वाटर फॉर देयर ब्रीडिंग। क्वेश्चन फोर, कॉमन नेम ऑफ नेक्टरस इज ऑप्शन ए केव सलमेंडर, ऑप्शन बी कांगो ईल, ऑप्शन सी हेलबेंडर, ऑप्शन डी मड पोपी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मड पोपी इज द कॉमन नेम ऑफ नेक्टरस एंड नेक्टरस बिलोंग्स टू जीनस नेक्टरा। क्वेश्चन फाइव, टेल्ड एम्फीबियंस आर मेंबर ऑफ विच ऑर्डर। ऑप्शन ए जिम्नोफियोना, ऑप्शन बी सलेंशिया, ऑप्शन सी यूरोडेला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेल्ड एम्फीबियंस बिलोंग्स टू ऑर्डर यूरोडेला। द एग्जांपल ऑफ यूरोडेला इज सलमेंडर। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन। ऑप्शन ए सलमेंडर, फ्रॉग, टॉर्टोइस, टोड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टॉर्टोइस इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन, रेदर इट इज अ रिप्टाइल बिलोंग टू ऑर्डर चिलोनिया। क्वेश्चन एट, फ्रॉग एंड टोड बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ऑप्शन ए एपोडा, एनूरा, यूरोडेला, जिम्नोफियाना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रॉग्स एंड टोड बिलोंग टू ऑर्डर एनूरा ऑफ एम्फीबियन। क्वेश्चन नाइन, एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप हैव टेल इन दियर लार्वल फॉर्म। ऑप्शन ए एपोडा, ऑर्डर एनूरा, ऑर्डर यूरोडेला, ऑप्शन डी एंड नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंबर्स ऑफ ऑर्डर एनूरा हैव टेल इन दियर लार्वल फॉर्म। द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर एनूरा इज टोड एंड फ्रॉग। क्वेश्चन टेन, द स्कल ऑफ फ्रॉग इज ऑप्शन ए मोनोकंडाइलिक, ऑप्शन बी डाइकंडाइलिक, ऑप्शन सी नॉन कंडाइलिक, ऑप्शन डी पॉलीकंडाइलिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक मीन्स स्कल हैविंग टू ओसिपेटल कोंडाइल। क्वेश्चन 11, एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस आर टेट्रापोड दैट इवॉल्व्ड इन ऑप्शन ए ऑर्डोविजियन पीरियड, ऑप्शन बी सिलोरियन पीरियड, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन पीरियड, ऑप्शन डी डिवोनियन पीरियड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंसेस्टर एम्फीबियंस इवॉल्व ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। क्वेश्चन 12, सिसेलियन बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ऑप्शन ए एनूरा, एपोडा, ऑप्शन सी जिम्नोफियोना एंड ऑप्शन डी बोथ बी सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। एपोडा एंड जिम्नोफियोना आर सेम ऑर्डर,
and Caecilian belongs to order Gymnophiona and they are limbless. Question 13. Capacity of amphibians to change their color is called as option A, metachoroses, option B, metamorphoses, option C, synchronous, option D, none of these. So correct answer is option A. Capacity of amphibians to change color is metachoroses and it occurs due to contraction and expansion of pigment cells. Question 14. The name of flying frog is option A, Rhacophorus, option B, Buffo, option C, Hyla versicolor, option D, Rana tigrina. So correct answer is option A. The flying frog is Rhacophorus. Question 15. Animals having pentadactyl limbs without claws belongs to class option A, Amphibia, Reptilia, Avis, Mammalia. So correct answer is option A. Animals which are having pentadactyl limbs but no claws belongs to class Amphibia. Question 16. Frog has option A, 5 finger and 5 toes, option B, 4 finger and 5 toes, option C, 4 finger and 4 toes, option D, 5 finger and 5 toes. So correct answer is option B. Frog have 4 finger and 5 toes. Question 17. The retention of larval characters even after sexual maturity is called option A, metamorphosis, option B, parthenogenesis, option C, neoteny, option D, phylogenesis. So correct answer is option C. Neoteny is the retention of larval character in adult. It is also known as pedogenesis. Question 18. Glands present in the skin of frog are option A, mucus and poisonous gland, option B, sweat and sebaceous gland, option C, sweat and mammary gland, option D, mucus and sweat gland. So correct answer is option A. Mucus and poisonous glands are present in the skin of frog. Question 19. Amphibians are option A, amniotelic, option B, ammonotelic, option C, uricotelic, option D, ureotelic. So correct answer is option D. Amphibians are ureotelic, which are having urea as a nitrogenous substance. Question 20. Axolotl is given to the name of larva of option A, Ambystoma, option B, Amphioxus, option C, silkworm, option D, roundworm. So correct answer is option A. Axolotl is the larva of Ambystoma. Question 21. Neoteny is found in option A, salamander, tadpole, hyla, axolotl. So correct answer is option D. Neoteny is found in axolotl, and axolotl is the larva of order Urodela. Question 22. Amphibians are option A, ectothermic, endothermic, heterothermic, homeothermic. So correct answer is option B. Amphibians are endothermic in developmental mode. Question 23. Functional kidney of amphibians is option A, mesonephric, metanephric, pronephric, none of these. So correct answer is option A. The kidney of amphibian is mesonephric, while the kidney of larva of amphibian is pronephric. Question 24. In frog and toads, the fertilization is option A, internal, external, both A, B, none of these. So correct answer is option B. Frogs and toad have external fertilization. It means they release their egg and sperms in water. Question 25.
Pulmocutaneous circulation is present in option A, lizard, frog, fish, pigeon. So correct answer is option B. Pulmocutaneous circulation is present in frog, especially in amphibians. Golden age of amphibian is option A, Carboniferous period, Permian period, Jurassic period, Cretaceous period. So correct answer is option A, golden age of amphibians is Carboniferous period. Question 27. How many pairs of cranial nerves are present in amphibian? 10 pair, 12 pair, 8 pair, 31 pair. So correct answer is option A, 10 pairs of cranial nerves are present in amphibian. Question 28. By mode of development, amphibians are option A, oviparous, viviparous, ovoviviparous, option D, none of these. So correct answer is option A, amphibians by mode of development are oviparous. Question 29. Heart present in amphibian is option A, two-chambered heart present, option B, three-chambered, four-chambered, option D, heart is absent. So correct answer is option B, amphibians ka jo dil hota hai unke teen chamber hote hain. Question 30. Which of the following is a tree frog? Option A, Rhacophorus, option B, Hyla, option C,